हेलो गाइस, टेक्सटाइल के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro के बारे में, जिसकी लीक सामने आ गई है और बहुत ही तगड़ी लीक निकल के सामने आई है। हम सभी जानते हैं जो Redmi Note सीरीज रही है काफी पॉपुलर रही है, Redmi Note 3 से लेके 7 Pro तक बहुत ही क्लियर स्पेसिफिकेशन और बजट में आते हैं, तो बहुत ही बिकने वाला, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ कॉम्पैक्ट प्राइस में Redmi Note सीरीज आती है। तो 8 Pro की स्पेसिफिकेशंस है जो काफी ज्यादा लीक हो गई है, उसी के बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल। दोस्तों, जल्दी जल्दी आपको स्पेसिफिकेशंस बताते हैं। जो MI Note 8 Pro आएगा, ग्लास बैक के साथ आएगा, ग्लास पैनल दी गई है, पीछे की तरफ बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लुक देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.39 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो अब बजट सेगमेंट में भी हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोस्तों, सामने की तरफ कोई भी नॉच नहीं है, फोन में पूरा का पूरा स्क्रीन मिलता है और पॉप अप एलिवेटेड सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इस बार नॉच को हटा दिया गया और सामने की तरफ आपको पॉपअप का एलिवेटिंग सेल्फी कैमरा मिलता है। दोस्तों, अगर डिजाइन की बात करें तो मैंने आपको बताया ग्लास का पैनल है, बहुत ही अच्छा डिजाइन Xiaomi ने नोट 8 Pro में रखा है, तो बहुत ही अच्छा लुक आपको ये स्मार्टफोन प्रीमियम फील देने वाला है। दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर हमारे फोन में। इस बार Xiaomi ने लगाया है 730G का चिपसेट, जो काफी अच्छा, फास्ट और बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देने के लिए काम करता है। फोन में आपको 4GB 6GB रैम वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, 64 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाएगी, तो डेफिनेटली फोन काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। सबसे हाइलाइटिंग फीचर Xiaomi के होते हैं वो है कैमरा डिपार्टमेंट। पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा होगा, जो पहला कैमरा होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा। दूसरा जो कैमरा होगा वो वाइड एंगल लेने के लिए काम करेगा, टेलीफोटो लेंस वो 8 मेगापिक्सल का होगा। और तीसरा जो कैमरा होगा वो इन डेप्थ सेंसिंग करेगा, जो कि 5 मेगापिक्सल का होगा। तो ये तीनों कैमरे, मतलब अब तक का 64 मेगापिक्सल का पहला स्मार्टफोन Xiaomi तरफ से आ सकता है। लेकिन Realme भी कॉम्पिटिशन में है, वो भी अपना 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा का फोन लॉन्च करने वाला है। अगर सामने की बात करें तो 25 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही कमाल का है। अब तक की सेल्फी की बात की जाए तो ओप्पो वीवो ने अच्छा कैप्चर किया था, लेकिन धीरे धीरे Xiaomi जो है वो भी काफी अच्छा सेल्फी कैमरे पे काम कर रहा है। सेल्फी कैमरा 25 मेगापिक्सल का होगा, एपर्चर f2.0 लेंस का होगा, तो ये काफी अच्छी बात Xiaomi की तरफ से निकल के आती है। दोस्तों, फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक मिल जाएगा, सारे सेंसर इंटरप्रिंटो सारे सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। फोन में आपको अभी भी 3.5mm का जैक देखने को मिलेगा, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर बैटरी की बात की जाए तो 4000 mAh की बैटरी है, जैसे कि Xiaomi टिपिकल 4000 की बैटरी रखता है, वैसी ही देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार क्लेम किया गया है कि 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको 4000 mAh से मिल जाएगा और बॉक्स के अंदर आपको 18W का फास्ट चार्जर भी दिया जाएगा। तो काफी अच्छी बात है कि 3.5mm जैक को अभी भी इन्होंने स्किप नहीं किया है, टाइप सी दिया है, फास्ट चार्जिंग दिया, फास्ट चार्जर बॉक्स में भी दिया है। ईयरफोन तो वैसे ही आपको Xiaomi के फोन में नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारी जो फीचर्स हैं आपको काफी कॉम्पैक्ट प्राइस में मिलेगी, वो होगा 15,000 से स्टार्ट होता नजर आएगा। चाइना की बात की जाए तो चाइना में ये फोन शायद से नवंबर या दिसंबर में लॉन्च हो सकता है और उसके बाद 1 महीने में आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है नए साल में आपको Redmi Note 8 Pro इंडिया में देखने को मिलेगा। और सबसे निराशा वाली बात, जैसे ये फोन लॉन्च होगा वैसे ही सेल में मिलना शुरू हो जाएगा, पता नहीं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। Xiaomi प्लीज 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 इस पे काम करिए, इस सेल वाला जो लोचा है इसको प्लीज खत्म करिए। ब्लैक मार्केटिंग इंडिया में फोन्स को लेके काफी ज्यादा होती है, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि फोन सेल में मिले। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं डेफिनेटली कमेंट करते जाइए। और दोस्तों, 15,000 रुपए के प्राइस में Redmi Note 7 Pro से काफी इंप्रूव्ड Redmi Note 8 Pro देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग क्या सोचते हैं ये फोन के बारे में डेफिनेटली कमेंट करते जाइए, मैं सब कुछ आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब भी दे पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।